नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा T20I मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और टीम इंडिया ने न सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि सीरीज भी 3-2 से अपने नाम कर ली है। इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया ने इस अहम मुकाबले में बड़े बदलाव किए और ओपनिंग की जिम्मेदारी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संभाली और जिस अंदाज में दोनों ने शुरुआत की, पावर प्ले में ही 60 रन ठोक डाले थे और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा ने जहां एक शानदार अर्धशतक जड़ा, वहीं विराट कोहली तो सीरीज में तीसरी बार नाबाद रहे। जी हां, जहां रोहित शर्मा ने 34 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने 52 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे। विराट कोहली का साथ सूर्य कुमार यादव और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी बखूबी दिया। सूर्य कुमार यादव 17 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए, वहीं हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। हार्दिक पांड्या ने भी 4 चौके और 2 छक्के लगाए, वहीं सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 224 का स्कोर खड़ा कर दिया था, जो T20 में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी। पहले ही ओवर में जेसन रॉय वापस पवेलियन लौट गए थे। इंग्लैंड का पहला विकेट बिना कोई खाता खोले ही गिर गया था, लेकिन इसके बाद जॉस बटलर और डेविड मलान ने एक ताबड़तोड़ पारी का नजारा पेश किया। दोनों ने ही अपने अपने अर्धशतक जोड़े और जब तक दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच 130 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हो गई थी। जॉस बटलर 34 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए, वहीं डेविड मलान 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मानो इंग्लैंड टीम के बीच विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोनों के आउट हो जाने के बाद लगातार विकेट गिरते चले गए और इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन ही बना सकी और टीम इंडिया ने 36 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, वहीं हार्दिक पांड्या और टी नटराजन को भी 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में इस सीरीज को अपने नाम किया है और इसके बाद टीम इंडिया को 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भी खेलनी है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने इससे पहले टेस्ट सीरीज भी अपने नाम की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।